अंतर्राष्ट्रीय अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये कथित तस्वीर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए काफी शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में 15 मार्च 2024 की डेट है। लोग ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का डेटा जारी होने के बाद पीएम मोदी की स्थिति दिखाई गई है। कई यूजर्स ने ऐसे ही क्लेम के साथ ये तस्वीर शेयर की है। ऑल्ट न्यूज ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स का 15 मार्च 2024 का पेपर चेक किया। हमने देखा कि उस दिन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐसा कोई कार्टून नहीं था और साथ ही हमें वायरल तस्वीर और न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिशन के बीच कई डिफरेंसेस देखने को मिले, जैसे फॉन्ट के बीच का अंतर। वहीं वायरल तस्वीर में मास्टर हेड के ऊपर सटायर एडिशन लिखा है, जबकि मूल एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं वायरल इमेज में बाईलाइन दी गई है। इसी नाम से सर्च करने पर हमें इस यूजर का अकाउंट मिला। इस अकाउंट से वायरल इमेज 15 मार्च को पोस्ट की गई थी। साथ ही इस यूजर ने कमेंट सेक्शन में ये बात साफ की थी कि ये इमेज उन्होंने व्यंग्य के रूप में बनाई थी। इसके अलावा रिवर्स इमेज सर्च करने पर creta-artist.org वेबसाइट पर ये आर्टवर्क मिला। फरवरी 2021 में इसे द किंग इज नेकेड टाइटल के साथ शेयर किया गया था, यानी डिजिटल रूप से बनाई गई न्यूयॉर्क टाइम्स की क्लिप असली मानकर शेयर की गई और कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक कार्टून पब्लिश किया।